न्यायपालिका डिस्कशन नहीं, संघ की न्यायपालिका जो है वो किस आर्टिकल से किस आर्टिकल के मध्य है बच्चों? 124 से लेकर के 147 तक है, और इसके बाद क्या है 148 से लेकर के 151 तक कितना है, किसका है? कैग के संदर्भ में। तो हम लोगों ने लास्ट स्टार्ट कर लिया था न्यायपालिका के संदर्भ में, ठीक है। और कुछ एक बातें हो चुकी थी हम लोगों की, तो आज हम लोग उसे कंटिन्यू करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। कुछ मूल बातें हम लोगों ने संविधान के संदर्भ में, सॉरी संविधान की न्यायपालिका के संदर्भ में हम लोगों ने कुछ चर्चाएं की थी लास्ट, ठीक है। आज हम लोग उसी में फिर आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। दो चार पॉइंट्स हैं, जो बच्चे नहीं थे वो वीडियो देख लेंगे, ठीक है, अगर जरूरी समझेंगे तो, और फिर उसी के आगे हम लोग कर रहे हैं। इसमें है सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश, उसी में आगे बच्चों, सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश राष्ट्रपति या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति के, राष्ट्रपति या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति के समक्ष पद ग्रहण करने से पूर्व क्या करते हैं बड़े लोग? जो राजनीतिक पद हैं हमारे, संवैधानिक पद हैं, शपथ लेते हैं ना, तो या तो राष्ट्रपति के सम्मुख लेंगे शपथ, या उनके द्वारा किसी वरिष्ठ न्यायाधीश जो नियुक्त किए जाएंगे उनके माध्यम से शपथ लेंगे, शपथ लेता है। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों, कोई भी न्यायाधीश भारत के किसी भी न्यायालय में, कोई भी न्यायाधीश भारत के किसी न्यायालय में, किसी भी न्यायालय में क्या नहीं कर सकता बच्चों? वकालत नहीं कर सकता, ठीक है। ऐसा क्यों किया गया है कि कोई न्यायाधीश जब रिटायर्ड हो जाएंगे तो वकालत नहीं कर सकते, इसके पीछे का कोई कारण बताए कोई? किसी को नहीं पता कुछ? हाँ, ऐसे जो संविधान, क्योंकि देखिए संविधान की व्याख्या की गई है और उन्होंने हमेशा संविधान की व्याख्या करते हुए जजमेंट दिए हैं, तो अब ये माना जाता है कि जैसे जब रिटायर्ड हो जाएंगे और फिर वो वकालत करने की अगर सुविधा उनको दे दी जाएगी, तो ऐसा भी हो सकता है कि वो अपनी वकालत को चमकाने के लिए कुछ ऐसे कुछ काम कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ है कि फिर मतलब एक दूसरी स्थिति बनेगी, एक तो एक तरह से कहिए कि फिर जब विक्टिम जाएगा, है ना, जब किसी का वकील किसी का केस लेता, तो अब उसमें क्या होता है, अगर वो उसको लगता है कि अपराधी भी है तब भी उसको बचाने की कोशिश करता है कभी कभी, लेकिन बहुत सारे जो सीनियर मोस्ट एडवोकेट है वो ऐसे केसेस को लेते ही नहीं है जो जान जाते हैं केस गलत। बहुत सारे ऐसे हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के ऐसे न्याय एडवोकेट लोग हैं जो ये जान लें कि अगर आपने जानबूझ करके मतलब आपने हत्या की है या कोई भी अपराध किया है तो आपका केस ही नहीं लड़ते। उनका मतलब मेन मोटिव होता है न्याय दिलाना, का मकसद यही होता है कि जो अन्याय जिसके साथ हुआ है उसके साथ हम न्याय देना। वैसे तो मोस्टली सभी एडवोकेट का काम यही है कि न्याय देना, लेकिन स्वाभाविक सी बात है दो पक्ष जब जाएंगे तो कोई एक तो गलत होगा ही होगा। तो अब इसमें क्या होता है कि अगर कहीं कोई जस्टिफाई है कि मान लो आपने आपके द्वारा कुछ हुआ है, मतलब कोई भी अपराध हुआ है और ये काफी हद तक उसकी पुष्टि हो रही है, तो अगर वो लगता है कि नहीं आप है तो केस ही नहीं लड़ते, बड़े बड़े एडवोकेट नहीं लड़ते। मतलब बड़े का मतलब मेरा है कि जो इस तरह से मतलब अपना नीट एंड क्लीन अपना रखते हैं, तो जजेस भी उनकी बातों को बड़े गंभीरता से लेते हैं। जैसे उनको आप 20 करोड़ 25 करोड़ 50 करोड़ 100 करोड़ भी दे करके उनको अपने अपराध करते हुए आप अपना मुकदमा नहीं लगवा सकते, ऐसे वकील है कुछ एक हैं, तो उनके केसेस के मैटर में जब वो जिरह करते हैं यानी कि आर्गूमेंट जब करते हैं जजेस से, तो जजेस उनकी बातों को बड़ी गंभीरता से लेता है और बहुत सारे फैसले उन्हीं के मतलब बताए हुए निर्देशों के आधार पर कि जैसे जजमेंट वो रखते हैं कि सर ये ऐसे ऐसे है श्रीमान और ये चीज़ें हैं, तो वो फिर मान लेते हैं कि फिर ये ऐसा ही है। क्योंकि कुछ लोगों की अपनी क्रेडिट होती है ना कि फिर जीवन में कभी कुछ गलत किया ही नहीं, और फिर कैसे आप कर सकते हैं गलत? तो न्यायपालिका इस तहत के तहत ये आपको इस व्यक्ति को राइट देती है, हमारे विक्टिम जो हमारे मुवक्किल हैं उनको इस तरह से मिलता है, तो वो बरी भी हो जाते हैं, है ना।
मतलब उनको जिता भी दिया जाता है और न्यायाधीश उनकी बातों से मतलब एक तरह से कहिए कि एक दबाव में रहते हैं, प्रेशर में रहते हैं कि ऐसे जो चरित्रवान एडवोकेट्स जब न्यायपालिका में खड़े होते हैं और उनका एक चूंकि लंबा सा अनुभव होता है 30 साल 40 साल, जैसे जेठमलानी साहब वगैरह हैं या कुछ ऐसे ऐसे बड़े बड़े जो नेता हैं बड़े बड़े एडवोकेट्स जो हैं, ये जब खड़े होते हैं तो न्यायाधीश भी एक बार अपनी प्रिपेन चलाने से पहले एक बार विचार करते हैं कि हम करेंगे क्या, मतलब क्योंकि वो संविधान के इतने अच्छे ज्ञाता होते हैं, इतने ज़्यादा विधि की उनकी जानकारी होती है कि फिर उनके अगेंस्ट कुछ कह पाना उनके बस की बात नहीं हो पाती। उनके शिष्यों के वो शिष्य होते हैं जो न्यायाधीश होते हैं मोस्टली, जो हाई कोर्ट वगैरह के हैं जजेस या जो सुप्रीम कोर्ट वगैरह को छोड़ दिया जाए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में तो बड़ा एक प्रक्रिया है काफ़ी जो जाते हैं, तो निकोलोजियम की व्यवस्था तो जो है वो अपनी जगह पे है। मतलब कहने मतलब वो सीनियर मोस्ट लोग होते हैं, जैसे उनकी जब सेवा कुछ बची रहती है तभी सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीशों की पैनल में जाते हैं वो, है ना, वो व्यवस्था जाते हैं, तो वो वहाँ का कंडीशन छोड़ के बाकी जगहों पर मतलब ऐसा ही रहता है कि जो एडवोकेट्स होते हैं वो न्यायाधीश का पद नहीं लेते। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि मतलब आप यह भी जानिए कि अगर कहीं कुछ इस तरह की किसी को एडवाइस देनी है, कभी कभी कोई आवश्यकता पड़े तो आप ये जान लीजिए कि कुछ ऐसे एडवोकेट भी होते हैं जो सत्य के लिए लड़ते हैं, और कुछ एक होते हैं जो पैसे के लिए कुछ भी कर देंगे, हत्यारे को भी बचा लेंगे और बहुत सारे हत्यारों को भी मतलब वो कर देते हैं। तो फिल्मों में भी कई फिल्मों में आपने देखा और कुछ जगहों पर कि किसी एडवोकेट से गलत पैरवी करा देंगे और गलत केस को जिता देता है, तो फिर बाद में खिन्न हो जाता है, फिर ऐसे कुछ प्रक्रिया कर देता है कि मतलब वो हार ही है, मतलब उस तरह से वो सजा ही हो जाए। ये भी चीज़ें हैं। तो न्यायपालिका के सम्मुख जो बड़े बड़े, जैसे जेठमलानी का भी नाम लिया मैंने, ये सब इतने बड़े बड़े एडवोकेट हैं कि जब जाने के बाद में जजेस उनको सुनते हैं, सिर्फ सुनते हैं कि बता क्या रहे हैं और किस तरीके से बता रहे हैं। जैसे वो आर्गूमेंट करते हैं कि ये इस आर्टिकल के तहत और ये कंडीशन के आधार पर ये होते हुए और ये मेरा मुवक्किल बिल्कुल निर्दोष है, तो फिर वो सुनते हैं और संभवतः अगर वो उनको बिल्कुल 100% लगता है तो अपने आप को बचाते हुए न्यायाधीश, मतलब एक तरह से कहिए कि संविधान की व्याख्या जो न्यायाधीश खुद करता, एक तरह से वही व्याख्या कर देते हैं और व्याख्या कर देते हैं तो जजमेंट भी हो जाता है। तो ये न्यायपालिका के संदर्भ में एक समझने की बात है। बाकी तो एडवोकेट तो ऐसे भरे हुए हैं, झोले भरते हैं एडवोकेट, हम चले जाएंगे सब खेल है, सब आपका केस जिता देंगे और सब आपको कर देंगे। तो एक गरिमा भी होती है एडवोकेट्स के, बहुत सारे जैसे टीचिंग प्रोफेशन है, कुछ एक लोग पैसा ही सब मायने नहीं रखता है, अब वो चाहे 2% हो, 10% हो, 100% हो, अलग विषय है। एडवोकेट्स में भी ऐसा ही है, न्यायपालिका के संदर्भ में भी ऐसी चीज़ें हैं। तो मैं बात कर रहा था कि फिर वो क्यों नहीं कर सकते हैं किसी कोर्ट में कार्य, तो उसमें ये होता है ना कि मतलब अगर वो कार्य करेंगे तो एक गरिमा, मतलब एक तरह से एक न्यायाधीश दूसरे, एक तो आप जजमेंट दे रहे थे पूरे जीवन काल, आप सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश रहे, बड़े बड़े केसेस में आपने जवाब दिया है, जजमेंट दिया है, अब आप फिर उसके बाद में जा रहे हैं एक गरिमा वही पद पर आप आसीन रह करके न्याय संविधान की जीवन भर व्याख्या की आपने, अब फिर व्याख्या करवाने जा रहे हैं आप, तो एक तरह से कहिए कि एक हल्कापन आ जाता है, एक तरह से उस पद को लेकर के हल्कापन आ जाता है कि मतलब अब वही व्यक्ति 65 साल की उम्र में पैसे की भाई, और कौन कौन सा लोग हो सकता है पैसे के लोग में आप आ रहे हैं और फिर बतौर एडवोकेट अपना कार्य कर रहे हैं, तो जहाँ जीवन भर उसी पे जजमेंट दिया आपने और फिर वही चीज़ें आप जाकर के वहाँ व्याख्या करवा रहे हैं अगले न्यायाधीश से, तो ये थोड़ा सा एक गरिमा का भी मैटर रहता है। दूसरी चीज़ें कि कहीं ऐसा ना हो कि ये लाभ के चक्कर में कि मतलब किसी एक एडवोकेट को बहुत फ़ायदा करा दें, आगे चल करके उन्हीं के साथ प्रैक्टिस कर लूँगा, ऐसा भी उनके पक्ष में करा दें, बहुत सारी चीज़ें हैं। यानी कि संविधान का जो एक जो एक तरह से कहिए संविधान का निर्माण करने का जो पद मिला है न्यायाधीशों को प्रतिनिधित्व करने का, उसमें कहीं हल्कापन ना आ जाए, इस नाते उनको प्रतिबंधित किया गया है कि पहले आप नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये तो वही आपका था आर्टिकल 124 में था, ये इतने सारे जितने आर्टिकल्स आपने देखे, मतलब इतने सारे बिंदुओं को देखा, ये आर्टिकल 124 अपने अंदर समाहित किए हुए हैं, एक अनुच्छेद में इतनी बातें बताई गई, ठीक है। आगे चलते हैं 125 में भी, आर्टिकल 125 में 125 में अनुच्छेद 125 इसमें है किसी भी न्यायाधीश के विशेषाधिकारों और भत्तों में, किसी भी न्यायाधीश के विशेषाधिकारों और भत्तों में तथा अनुपस्थित छुट्टी या पेंशन के संबंध में, छुट्टी या पेंशन के संबंध में संबंध में
अधिकारों में उनके अधिकारों में उसकी नियुक्ति के पश्चात कमी नहीं की जा सकती। यानी कि जो न्यायाधीशों को विशेष अधिकार मिलते हैं, भत्ते मिलते हैं और उनको जो छुट्टियां मिलती हैं, पेंशन वगैरह जो मिलती है, ये तमाम सारे भत्तों में किसी तरह की कोई कटौती पद पे जाने के बाद नहीं की जा सकती है, ये बात कहता है। अगला है आर्टिकल 126 बच्चों, आर्टिकल 126 126 मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में अनुपस्थिति किसी कारण से यदि है तो उसकी जगह न्यायाधीश के अन्य न्यायाधीशों में से एक न्यायाधीश जिसे राष्ट्रपति उस प्रयोजन के लिए नियुक्त करें न्यायाधीश जिसे राष्ट्रपति उस प्रयोजन के लिए नियुक्त करे पदभार ग्रहण करेगा। यानी आर्टिकल 126 क्या कह रहा है, 126 की राष्ट्रपति महोदय किन कारणों से अगर अनुपस्थित रहते हैं तो राष्ट्रपति महोदय जिस व्यक्ति को नियुक्त करे मुख्य न्यायाधीश के लिए कार्य के लिए, तो वो व्यक्ति न्यायाधीश का कार्य करेगा। ठीक है, कार्यकारी न्यायाधीश मुख्य न्यायाधीश का कार्य करेगा। तो इसमें पूछ सकता है कि कार्यकारी न्यायाधीश किस आर्टिकल के तहत राष्ट्रपति करते हैं, तो 126 करते हैं जी। चलिए बच्चों अब 127 करते हैं। राष्ट्रपति की पूर्व सहमति और संबंधित हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के पश्चात न्यायाधीश से परामर्श के पश्चात भारत का मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय में यदि आवश्यक हो तो उस उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट के किसी न्यायाधीश को जो कि
यदि आवश्यक हो तो उस हाई कोर्ट या उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश को जो कि सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हो, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हो, तदर्थ न्यायाधीश नियुक्त कर सकता है, तदर्थ न्यायाधीश नियुक्त कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट, यदि तदर्थ न्यायाधीश या ऐसे करिए, जैसे जो ये न्यायाधीश नियुक्त किए जाते हैं तो यह तदर्थ न्यायाधीश, तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति क्यों की जाती है, जब कभी कोई कार्य बड़े हो जाते हैं, बड़े पैमाने पर कार्य रहते हैं और जजेस की कमी रहती है। अब जजेस की कमी का मतलब दो तरह से होते हैं, कार्यभार अधिक हो जाने के कारण से यह भी हो जाता है, दूसरा कभी कभी कुछ न्यायाधीश रिटायर हो जाते हैं और नियुक्त नहीं किए गए रहे होते हैं, तो कुछ भी कारण हो सकता है उसका, तो कार्यभार का कंप्लीट करने के लिए भी तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति कर दी जाती है। मतलब एक तरह से कहिए कि परमानेंट ना होकर के अस्थायी अस्थायी न्यायाधीशों की नियुक्ति कर, ठीक है, तो यह तदर्थ न्यायाधीश वही है। तो यहाँ पर होना चाहिए यह तदर्थ न्यायाधीश, यदि नहीं होगा यहाँ पर यह तदर्थ न्यायाधीश जब तक सर्वोच्च न्यायालय में कार्य करता है, यह तदर्थ न्यायाधीश जब तक सर्वोच्च न्यायालय में कार्य करता है उतने समय तक सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को मिलने वाली सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को मिलने वाली सभी शक्तियां विशेषाधिकार तथा भत्ते का हकदार होता है। भत्ते का हकदार होता है, समझ रहे हैं बात को? तो इसमें न्यायाधीश महोदय के बारे में बताया जा रहा है, जो तदर्थ न्यायाधीश महोदय होंगे उस दरमियान जब तक वो कार्य करेगा सुप्रीम कोर्ट में बतौर तदर्थ न्यायाधीश, तब तक उनको सारी सुविधाएं जो जजेस को परमानेंट स्थायी जजेस को मिलती है, वो सारी सुविधाएं फैसिलिटीज उनको भी प्रदान की जाएंगी। ये आर्टिकल 127 कह रहा है। आगे आर्टिकल 128 क्या कहता है, 128, भारत का मुख्य न्यायमूर्ति CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया CJI मुख्य न्यायमूर्ति है, मुख्य न्यायाधीश या CJI की पूर्व सहमति से सर्वोच्च न्यायालय या हाई कोर्ट के किसी सेवानिवृत्त न्यायाधीश या किसी सेवानिवृत्त न्यायाधीश जो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश होने की योग्यता रखता हो, को सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश के रूप में कार्य करने के लिए अनुरोध कर सकता है, इस अवधि में वह यानी कि जब नियुक्त कर दिया जाएगा तब इस अवधि में वह
सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को मिलने वाले वेतन भत्ते आदि का हकदार होगा, वेतन भत्ते आदि का हकदार होगा, किंतु उसे अन्यथा उस न्यायालय का न्यायाधीश नहीं समझा जाएगा, किंतु उसे अन्यथा उस न्यायालय का न्यायाधीश नहीं समझा जाएगा। क्या समझ रहे हैं? यानी कि कोई हाई कोर्ट के जज साहब या सुप्रीम कोर्ट के कोई जज साहब जो रिटायर्ड हो चुके हैं, हाई कोर्ट के जज साहब जो रिटायर्ड हुए हैं लेकिन योग्यता रखते हैं सुप्रीम कोर्ट के जज बनने की, है ना, रिटायर्ड हुए जज साहब ये योग्यता रखते हैं कि वो सुप्रीम कोर्ट के जज हो सकते हैं, तो उनको राष्ट्रपति से सलाह लेकर के CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वो चाहे तो उनको रख सकते हैं कि भाई अतिरिक्त कार्यभार है, या कभी कभी बड़े अनुभवी बड़े इस तरह से मेच्योर लोग होते हैं तो बड़े जल्दी जल्दी पढ़ करके चीज़ों को समझ करके जजमेंट दे लेते हैं, तो कार्यभार भी कम करने की जब स्थिति होती है, बड़ा वर्कलोड होता है, तो ऐसे न्यायाधीशों की नियुक्ति की जा सकती है, बट उनको अस्थायी नहीं माना जाए, उनको जजेस की काउंटिंग में नहीं रखा जाएगा, लेकिन तदर्थ न्यायाधीशों को रखा जाता है, तदर्थ न्यायाधीशों को रखा जाता है। इनको तो जैसे कार्य है, कार्य का संचालन करने में दिक्कत आ रही है, बहुत ज़्यादा वर्कलोड है, तो इनको रख लिया तो जज उस रूप में मतलब जजों की संख्या में नहीं काउंट किया जाएगा, इसमें कहने का मतलब है, लेकिन वेतन भत्ते तदर्थ दिया जाता है, सेम एज इट इज इनको भी दिया जाएगा, ना समझ रहे हाँ। जैसे ये नहीं है कि मतलब तदर्थ वाले तो रहते ही हैं, अपना आते हैं और उनकी अपनी काउंटिंग होती है, ये नहीं काउंट होता। चलिए आप आर्टिकल 129 बच्चों 129 सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय होता है, अभिलेख न्यायालय होता है तथा इसे अपनी अवमानना के लिए दंड देने का अधिकार है। अभिलेख न्यायालय होता है तथा इसे क्या करने का अधिकार होता है? अवमानना के लिए दंड देने का अधिकार होता है। कोई बच्चा बताएगा अभिलेखीय न्यायालय क्या है? कौन कौन से न्यायालय अभिलेखीय न्यायालय होते हैं? अपराधिक न्यायालय हो गया, अभिलेखीय न्यायालय। चलिए और कोई कुछ ऐसा नहीं है जिसमें लोगों का रिकॉर्ड रखा जाता? तो भाई न्यायालय में सभी का रिकॉर्ड रखा जाता है, ऐसा कोई भी न्यायालय नहीं है जहाँ रिकॉर्ड ना रखा जा सकता है ना। रिकॉर्डेस की बात करेंगे तो अगर 20 साल पहले कोई मुकदमा चला है, उसको जजमेंट हुआ है, तो उसके भी निर्णय रखे जाते हैं। अभिलेख न्यायालय का दूसरा एक जैसे मूल न्यायालय होता है, डॉक्यूमेंट्स की बात नहीं कर सकते। और कुछ बताइए न्यायालय में सर जो मुख्य संरक्षक होता है संविधान का, संविधान का जो मुख्य संरक्षक होता है जैसे सुप्रीम कोर्ट है, कौन कौन होता है सुप्रीम कोर्ट है जैसे, तो ये मुख्य संरक्षक माना जाता है संविधान का, और न्यायालय के लिए सर्वोच्च है न्यायाधीश, तो इसी वजह से इसको अभिलेख न्यायालय। तो और क्या सुप्रीम कोर्ट ही क्यों अभिलेख न्यायालय है? और चूंकि सर्वोच्च है सर्वोच्च तो नहीं सर, नहीं तो अभिलेख मैं कह रहा हूँ, मैं ये तो कह रहा हूँ, मैं तो ये नहीं कह रहा हूँ सर्वोच्च नहीं है, वो सर्वोच्च नाम ही है, सर्वोच्च है, सर्वोच्च नाम किसी के साथ जुड़ गया है तो उसका मतलब वो पद सर्वोच्च है ना, जैसे मुख्य न्यायाधीश है, प्रधान न्यायाधीश है, उसका मतलब है कि वो सर्वोच्च हो गए व्यक्ति के रूप में, तो सर्वोच्च न्यायालय लग गया तो वो तो उच्च है ही। मैं बात कर रहा हूँ कि अभिलेखीय न्यायालय काफी हद तक ढूंढ सही गया। देखिए अभिलेखीय न्यायालय वो हुए न्यायालय होते हैं कि कभी किसी कोई केस में, और अभिलेखीय न्यायालय कौन कौन होते हैं ये भी बहुत ध्यान से सुन लीजिए आप लोग, दो ही न्यायालय हैं जो कि अभिलेखीय न्यायालय होते हैं, सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट और सभी हाई कोर्ट्स, सभी हाई कोर्ट्स क्या है अभिलेखीय, ठीक है।
अब अभिलेखीय न्यायालय का मतलब क्या होता है कि कोई वाद आया और उस वाद के तहत कोई जजमेंट किसी न्यायालय ने दिया, यानी हाई कोर्ट ने दिया या सुप्रीम कोर्ट ने दिया, और उस केस में बताया, मतलब संविधान की व्याख्या करते हुए जो संविधान में कोई बात उस तरह से रिलेटेड वर्डित नहीं है, एक नया एक तरह से मतलब जो है एक सिस्टम कुछ ऐसा आया कि जिसकी मतलब क्रिटिकल स्थिति बन गई कि संविधान की व्याख्या की क्या जाए। मान लो कभी ऐसी स्थिति आ जाती है कि इस स्थिति में अब संविधान में कुछ तो कही नहीं रहा है, एक तरफ से पता चल रहा है ये गलत है, एक तरफ से पता चल रहा सही है, तो वहाँ पे न्यायाधीश को जजमेंट जो दिए रहते हैं उस तरह के सेम कंडीशन वाले केसेस में, समझ रहे हैं, मान लो कोई मतलब कहीं कह दिया गया कि बीएड वाले योग्य है प्राइमरी के लिए, कहीं कह दिया गया बीएड वाले योग्य नहीं है प्राइमरी के लिए, जरा समझिएगा, और कहीं हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दे दिया किसी एक लॉजिक बना करके किसी राज्य में या सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये कह दिया गया कि नहीं जो बीएड वाले हैं वो मतलब जो है शिक्षक बनने के लिए बेसिक में योग्य है, एक मिनट के लिए मान लीजिए, तो जब उन्होंने जजमेंट दे दिया किस आधार पर कि है, तो फिर इसका मतलब वो कानून बन गया, इसका मतलब वो है उस लायक, जब तक पुनः उस पर कोई और उससे बड़ी पीठ निर्णय नहीं दे देती कि ये नहीं बनने लायक है बेसिक में टीचर, जरा समझिएगा, बात समझ रहे ना, व्याख्या कर दी उन्होंने, तो जो व्याख्या की वो एक तरह से एक अभिलेख के रूप में उसको रख लिया जाता है, जैसे संविधान में आर्टिकल 395 है उसी तरह से इसको एक एज ए आर्टिकल इस तरह के वाद के लिए आर्टिकल मान लिया जाता है, क्या समझ रहे हैं आप, आर्टिकल समझ सकते हैं या समझिए अभिलेख कि ऐसा जैसे कोई केस आएगा तुरंत उसी आधार पर निर्णय दे दिया जाए, समझ रहे हैं बात को, जैसे कहने का मतलब कोई किसी मतलब कोई आर्टिकल में है कि इस विधान के तहत अगर कोई अपराध करता है तो दंड का ही प्रावधान है, तो कोई आर्टिकल बताता है, ठीक है, उसी तरह से अभिलेखीय न्यायालय जो होता है वो अभी एक अनुच्छेद के रूप में कार्य करने लगता है, ठीक है, जब तक कि उसके अगेंस्ट में कोई और बड़ी पीठ उस पर निर्णय ना दे कि वो जजमेंट वो गलत है, समझ में आ गई बात, तो यानी कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के द्वारा दिए गए कोई क्रिटिकल निर्णय जो संविधान में स्पष्ट व्याख्या उसकी नहीं है या वो थोड़ा पेचीदा सा केस था, समझ रहे हैं, जहां संविधान की व्याख्या करने की जरूरत आई कि संविधान कहता क्या है, यानी संविधान मानता किस बात को, तो संविधान मानता है किस बात को, समझ रहे हैं बात को, तो जिस बात को बताए रहेंगे यही मानता है संविधान के हिसाब से यही लीगल है, तो वो हर जगह बात जब उस तरह का रिलेटेड कोई वाद आएगा चाहे किसी भी हाई कोर्ट में आए कहीं भी आए तो उसी को लेकर के कॉपी पेस्ट कर देंगे कि भाई देखिए इस तरह के केसेज में निर्णय पहले से कोर्ट का है तो एज इट इज ये रह जाए, समझ रहे हैं बात को, इसी नाते अभिलेखीय न्यायालय के तहत अगर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कोई निर्णय दे दिया गया किसी भी वाद में तो हाई कोर्ट का कोई जज उसके अगेंस्ट नहीं कोई बात करेगा, चाहे आपका केस कितना भी मजबूत हो, अगर सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दे दिया है किसी चीज के उस तरह के केस के परिप्रेक्ष्य में तो हाई कोर्ट में आप रगड़ते रह जाइए, नहीं हो सकता है, क्यों, क्योंकि एक अभिलेखीय न्यायालय जो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के ऊपर बैलेंस नहीं कर सकता, भले ही आपका केस वहां पर गलती से हार गए हो लोग व्याख्या ना कर पाए हो, सही से जजेस जज महोदय को संतुष्ट ना कर पाए हो, और जो मतलब जो प्रतिवादी रहा हो अपने पक्ष को रखा करके कुछ केस करा लिया हो अपने फेवर में, अब करा लिया होगा मतलब वो करते नहीं घूस लेकर के नहीं कराने का मतलब, उन्होंने अपना तर्क दिया और न्यायाधीश को वो बात समझ में आ गई तो उन्होंने जजमेंट उसके परिप्रेक्ष्य में दे दिया, और हाई कोर्ट में अगर कोई आप निर्णय जाते हैं लेने के लिए उसी के सेम उसी कंडीशन को लेकर के जो कि मतलब वहाँ पर निर्णय दे दिया गया है, यहाँ पर भले ही आपका पक्ष बहुत मजबूत है और जज को लग भी रहा है कि इस पर दिया जा सकता है निर्णय, तो जज नहीं देंगे क्योंकि वो पहले से वहां पर अभिलेखीय तौर पे हुआ है, दे तब सकते हैं जब पीठ बड़ी हो जाए, छोटी पीठ निर्णय नहीं दे सकती, समकक्ष पीठ निर्णय नहीं दे सकती, ये कह सकती है कि इस पे ये है आप इसे बड़ी पीठ में ले जाइए, आप उसको ये वो अगर उसको डाउट लगता है तो या तो वो ये कह देंगे या तो मुकदमे को खारिज कर देंगे, कुछ इस तरह की चीज होगी, हमेशा ध्यान रखिएगा कभी इस तरह के निर्णय पे कभी छोटी कोर्ट कभी निर्णय नहीं देती क्योंकि वो एक अभिलेखीय न्यायालय के तौर पे सुरक्षित हो जाता है, तो एक कानून बन चुका होता है एक तरह से कहिए, तो बाकी आप व्याख्या करेंगे तो क्या है, जैसे मैंने कहा कि 4 बजे के बाद क्लास में आपको मान लो एंट्री नहीं करनी, मेरी क्लास स्टार्ट हो गई आप एंट्री नहीं करते, ये सुप्रीम कोर्ट का निर्देश आ गया, मान लो मैं सुप्रीम कोर्ट हूँ मैंने निर्देश दे दिया, मैं नहीं हूँ और कोई आ रहा है तो आप ये नहीं कह सकते कि चलो ठीक है चले आओ, अगर आपसे कह दिया गया तो आप नहीं कह सकते, मैंने अगर कह दिया कि 5 मिनट रिलीफ दिया जा सकता है कोई मतलब समझिएगा बात को, तो आप दे सकते हैं, ये नहीं कि बड़ी पीठ का कभी छोटी पीठ काट ही नहीं सकती कोई निर्णय, हाई कोर्ट कभी सुप्रीम कोर्ट के ऊपर अगेंस्ट जा ही नहीं सकता, बहरहाल हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों को देने का निर्णय है वो किस नाते दिया गया जो फंडामेंटल हमारे राइट हैं मौलिक अधिकार है
कहीं अगर मौलिक अधिकारों की व्याख्या करने में कोई ज़रूरत जब महसूस की जाती है तभी इस तरह के निर्णय मोस्टली दिए जाते हैं। तो अभिलेखीय मतलब हो जाता है, एक कानून बन जाता है, वो एक नया संविधान के तौर पे उस तरह के वाद के लिए वो एक तरह से कहिए नासिर बन जाता है, उदाहरण बन जाता है और वो उसी के हिसाब से कार्य किया जाता है। छोटी कोर्ट कभी भी, मान लो कोई सुप्रीम कोर्ट में सेम उसी तरह के मुकदमे में हारा हुआ व्यक्ति है और सुप्रीम कोर्ट की बड़ी पीठ ने दिया, तो हाई कोर्ट में कभी निर्णय आपके फेवर में नहीं होगा। ये केस आप हमेशा जाने रहिएगा, ये सभ्य नागरिक होने के नाते आपको जानना चाहिए कि कभी भी नहीं हो सकता है, लाख आपका फेवर आपके फेवर में हो कभी जैसे देंगे ही नहीं निर्णय आपको। और यह भी नहीं कहेंगे कि मतलब आप ऊपर जाइए, ये भी नहीं कहेंगे, क्योंकि सीधे सुप्रीम कोर्ट का है तो सुनेंगे ही नहीं। जैसे मैंने क्लास से बाहर किसी को निकाल दिया तो दूसरा कोई उससे जूनियर सुनेगा ही नहीं, अगर मैं सबसे सीनियर हूँ तो कोई टीचर सुनेगा ही नहीं कि आप एंट्री कर लो कि ना एंट्री कर लो, फिर कहेगा भाई वो वहाँ का मैटर है, आप वहाँ पर जाते हैं। बात समझ रहे हैं, जो एक चीफ बॉडी ने कह दिया है तो चीफ बॉडी के अगेंस्ट आप भले ही आप गलत नहीं हो, आप मान लो सुन रहे हो, आपको लग रहा है कि नहीं इनोसेंट ये व्यक्ति है, फिर कहोगे नहीं यार ये वहीं पर आप तुम समझो समझाओ यार, इसके लिए मुझे मत इन्वॉल्व करो। बात समझ रहे ना, बात इस तरह का कुछ प्रेशर होता है। इस नाते छोटे न्यायाधीश लोग मतलब उस अब अकॉर्डिंग टू उस जो जजमेंट के जितने भी छोटे पीठ हैं वो निर्णय नहीं देते, कभी नहीं निर्णय देंगे, ये हमेशा बात ध्यान रखिएगा। आप कितना बड़ा भी सीनियर मोस्ट एडवोकेट हो, आप कितना भी पैसा खर्च कर लीजिए, वो नहीं निर्णय दे सकता। ऐसे बहुत सारे बात देखे गए हैं जिनमें नहीं देखा गया था। जैसे अभी शिक्षकों की भर्ती हुई थी, शिक्षकों की भर्ती में क्या हुआ कि योग्यता के आधार पर सरकार ने निर्णय दिया। मैं छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ, अभिलेखीय न्यायालय के संदर्भ में है, बहुत बारीकी समझ लीजिएगा। जीवन में बहुत सारे ऐसे अवसर आ सकते हैं जहाँ पर आपको इस तरह की जरूरत पड़ेगी, तो आपको कोई राय देने वाला नहीं रहेगा और आप बहुत परेशान हो जाओगे। तो होता क्या है कि एक योग्यता के आधार पर किसी चीज पे आपका सिलेक्शन हुआ, सिलेक्शन हो गया आपका, और योग्यता ही सब कुछ मानक रहा, मुकदमा भी चला योग्यता के आधार पर ही जजमेंट के लिए हो गया। योग्यता एक तो सरकार कह रही है कि योग्यतम जो भी परीक्षा है उस योग्यतम व्यक्ति को ही हम चुनेंगे, इस आधार पर चुनाव होता है और योग्यतम व्यक्ति को सुप्रीम कोर्ट में जीतती है और योग्यतम व्यक्ति को ही चुनाव में मतलब पद पे लेती है। इसी से रिलेटेड दूसरा एक वाद आया, दूसरे वाद में क्या आया कि अगर आपने आवेदन करते समय किसी भी तरह की त्रुटि कर दी, आपने पूरी कंपटीशन को टॉप किया है, जरा समझिएगा, कंपटीशन को टॉप किया है, आप योग्यतम योग्य व्यक्ति हैं जिस योग्यता के लिए हम सुप्रीम कोर्ट तक वो लड़ा, सरकार ने लड़ाई करी कि हम योग्य लोगों को ही लेंगे, हम भीड़ को नहीं लेंगे, हम योग्य लोगों को लेंगे, इस कारण से सरकार ने लड़ाई लड़ी और सुप्रीम कोर्ट में उस व्यक्ति को से जीत करके आई, योग्यतम व्यक्ति को ले जाने के। लेकिन वही योग्यतम व्यक्ति का जो पहला व्यक्ति है जो सबसे योग्य है, उस व्यक्ति ने अपने आवेदन में त्रुटि कर दी, आवेदन में कोई त्रुटि ऐसी कर दी कि जैसे उसने कोई भी मतलब कोई भी अंक जो है गलत लिख दिया, कोई भी अंक गलत लिख दिया, बाय मिस्टेक लिख दिया उसने, गलती से लिख दिया, अपना मिस्टेक कर दिया। यही यह भी बात कोर्ट में गया, जब कोर्ट में गया तो सुप्रीम कोर्ट में इस पे निर्णय आ गया कि जिस व्यक्ति को आवेदन करने नहीं आता, जरा समझिएगा, जिस व्यक्ति को आवेदन नहीं करने आता वो शिक्षक बनने के योग्य ही नहीं है, एक जजमेंट वहां से फिर आ गया। अब जब जजमेंट वहां से आ गया कि ये व्यक्ति जब आवेदन करने के लिए योग्य नहीं है, समझिएगा जरा बात को, तो ये शिक्षक क्या बनेगा। अब दो कंट्राडक्टरी आ गई, एक तो बच्चा एक टॉपर बच्चा है उसको योग्यता मान रहे हैं, दूसरा कह दिया कि आवेदन नहीं करने हैं, भाई योग्य एक तरफ आपने डिफिनेशन मानी कि कंपटीशन में आपने टेट सुपर टेट में टॉप जो किया वो बच्चा योग्य है उसको नौकरी दो, लेकिन दूसरी तरफ आपने कह दिया कि आवेदन में आपने गलती कर दी तो आप योग्य नहीं है शिक्षक, तो दो डिफिनेशन हो गई इसी व्यक्ति का, एक योग्य व्यक्ति का जहां तक गए थे वही व्यक्ति बाहर हो गया, समझ रहे बात को। तो अब अगर ये व्यक्ति अब लड़ाई करे कि साहब उनको चाहिए तो नहीं मिलेगा, क्योंकि कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दे दिया कि जिसको आवेदन नहीं, यानी कि यहाँ पर योग्यता का मतलब कंपटीशन ना होकर के आवेदन हो गया, समझ रहे बात को, आवेदन हो गया। अब कोई व्यक्ति योग्य व्यक्ति है हाई कोर्ट में लड़ता रह जाए, रोता रह जाए कि साहब हमारी बात सुन लो, हम ये हमने उस टेट की परीक्षा को या सुपर टेट की परीक्षा में सबसे टॉप मोस्ट हम स्टूडेंट रहे हैं, हमारा ये है नहीं, वो हाई कोर्ट सुनता ही नहीं, सुनेगा ही नहीं, खड़ा होता इस केस को टॉप सुप्रीम कोर्ट में इस तरह के जजमेंट आ गए, समझ रहे हैं बात को। तो योग्यतम की डिफिनेशन या जो भी चीजें हैं वो मायने सुप्रीम कोर्ट के आधार पर या हाई कोर्ट के आधार पर जो मुख्य न्यायाधीश बड़े न्यायाधीश है जो न्यायपालिका देती है निर्णय, वो इस तरह का निर्णय सुरक्षित रख लिया जाता है। तो अभिलेखीय न्यायालय मतलब न्यायपालिका, हाईकोर्ट और दो ही आपके अभिलेखीय न्यायालय हैं, सभी हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट अभिलेखीय न्यायालय होते हैं। अभिलेखीय न्यायालय मतलब उनके द्वारा दिए गए निर्णय, और कौन से निर्णय, हर निर्णय नहीं,
जैसे कहने वाला किसी केस में दे दिया कि आपको मौत की सजा, किसी केस में कहा गया कि इस कंडीशन में मौत की सजा नहीं, तो उसको नहीं आप लेके चले जाएंगे, किसी केस में सेम कंडीशन थी देखो उनको कहा कि बरी कर दिया, ऐसे नहीं लगा सकते वहां पर आप केस। जिन नास एक तरह से कहिए जो क्रिटिकल केसेस बन जाते हैं कुछ इसमें, अब एक सेम स्थिति जब बनती है तो और जिसमें संविधान की एक उचित व्याख्या नहीं हुई होती है और उसको न्यायाधीश व्याख्या करते हैं अपने तरीके से, उसमें ही कहा जाता है, मतलब वही सुरक्षित अवलेखीय न्यायालय है। यानी एक तरह से कहिए कि उनके द्वारा दिए गए सभी निर्णय एक समान समकक्ष के निर्णय जो है, तो वो निर्णय सुरक्षित रख लिए जाते हैं, उन्हीं आधारों पर निर्णय दिया जाता है। ठीक है, तो हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट दोनों अभिलेखीय न्यायालय है। चलिए आगे, और अभिलेखीय न्यायालय है और अवमानना के लिए दोषी पाए जाने पर जो है क्या कर सकता है, दंड का प्रावधान कर सकता है। 129 ये कह रहा है 129, ठीक है, आर्टिकल 130 बच्चों, सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में अथवा ऐसे अन्य स्थान सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में अथवा ऐसे अन्य स्थान या स्थानों में, अन्य स्थान या स्थानों में स्थापित होगा जिसे भारत का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति के अनुमोदन से समय समय पर नियत करे, यह आर्टिकल 130 आपका था। अब करिए आर्टिकल 131, अनुमोदन करना मतलब यहाँ पर है समय समय पर न्यायाधीश राष्ट्रपति के अनुमोदन, मतलब एक तरह से कहिए आदेश करना, अनुमोदन करना किसी चीज पे कि मैंने अनुमोदित कर दिया कि आप मान लो किसी कंडीशन में बहुत दूर तक दूर से आते हैं और आपको आने में यहाँ पहुँचने में सुबह 5 बजे दिक्कत होती है, आप कितना भी सुबह चलते हैं तो दिक्कत होती है, तो आपने अनुमोदन करा लिया, किसी से परमिशन ले ली, एक तरह से आदेश ले लिया, तो आपको 10 मिनट की आधे घंटे की रिलीफ मिल गई कि इस कंडीशन इस बच्चे को आधे घंटे लेट आने पर भी दे दिया जाए। ठीक है, तो अनुमोदन मतलब एक तरह से आदेश कराना हो गया किसी संदर्भ की चीज में, तो जिसे भारत का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति के अनुमोदन से, एक तरह से कहिए यहाँ पर जो सेंस कर रहा है परमिशन, अनुमोदन यानी उसे परमिशन लेना है ना, परमिशन के आधार पर बात दोनों वही है, समय समय नियत करें। 131 में है बच्चों, सुप्रीम कोर्ट की आरंभिक अधिकारिता डैश संविधान के उपबंधों के अधीन यदि डैश करके पॉइंट वाइज लिख लीजिए, 1 या क ख करके लिख लीजिए, भारत सरकार तथा एक या अधिक राज्यों के बीच, भारत सरकार तथा एक या अधिक राज्यों के बीच अथवा पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, एक ओर भारत सरकार, दूसरा पॉइंट है, एक ओर भारत सरकार और किसी राज्य या राज्यों तथा दूसरी ओर एक या एक से अधिक राज्यों के मध्य अथवा, तीसरा पॉइंट, दो या दो से अधिक राज्यों के मध्य
किसी विवाद में विधि का या तथ्य का कोई प्रश्न सम्मिलित है वही अन्य न्यायालयों की उपेक्षा करके उच्चतम न्यायालय को आरंभिक अधिकारिता होगी। यानी कि कहने का मतलब राज्यों के मध्य में दो राज्यों के मध्य में अगर विवाद होगा, यानी सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के मध्य सॉरी संघ सरकार राज्य सरकार के संदर्भ में कोई विवाद होगा तो उसकी अधिकारिता क्षेत्र में किसके सुप्रीम कोर्ट के अधिकारिता क्षेत्र में आएगा, इलाके बात यह है। ठीक है, आर्टिकल 132 जल्दी करिए। सुप्रीम कोर्ट की कुछ मामलों में अपीलीय अधिकारिता इसमें लिखे बच्चों, भारत के किसी हाई कोर्ट द्वारा दिए गए सिविल दांडिक या अन्य कार्यवाही में दिए गए निर्णयों डिर की या अंतिम आदेश की अपील उच्चतम न्यायालय में होगी यदि वह उच्च न्यायालय आर्टिकल 134 के अधीन यह प्रमाणित कर देता है कि उक्त मामले में विधि का कोई तात्विक प्रश्न सम्मिलित है तथा अपील करता यह अपील करता है कि उक्त तात्विक प्रश्न का गलत विनिश्चय किया गया है, ठीक है। ये था आपका आर्टिकल 132, इसके संदर्भ में थोड़ी चर्चा कल हम लोग लास्ट डे भी करेंगे, अगले दिन भी करेंगे, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, इन चीज़ों को थोड़ा गंभीरता से आप लोग देखते रहिए। न्यायपालिका के संदर्भ में आपको काफ़ी चीज़ें हो जाएंगी, हाँ वो कल बात कर लेंगे, डेटी वगैरह के बारे में।